ना भाई उसे चाहिए। अरुण हरिया मैम थोड़ा आगे जी, थोड़ा आगे जी, बस बस वेल कोविड का वक्त तो सभी के लिए मुश्किल था, तो मैं कोई अलग नहीं हूँ। वी ऑल हैड अ हार्ड टाइम एंड कैन यू बिलीव इट, मतलब हम ऑलरेडी दिसंबर में, पूरा साल कोविड ने एक्चुअली खाई गया। सो इट वाज सैड, बट आई एम होपिंग दैट 2021 अच्छा हो। एंड ब्यूटीफुल सैलून के मौके पर हम सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो आप बताइए क्या एक्सपेक्टेशन रहती हैं इनसाइड जाकर, क्या कुछ आप करने वाली हैं? वेल आज मैं यहाँ पे हूँ फेमिना फ्लॉन्ट स्टूडियो सैलों के लॉन्च पे, एंड आई थिंक द नेम सेज इट ऑल। फेमिना इज़ अ 60 ईयर ओल्ड ब्रांड। हम मतलब मेरी मम्मी भी की मम्मी भी उसको आई एम श्योर पढ़ के पढ़ा होगा उसने, बट आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो ब्रांड है अभी अपना लेगेसी एक ब्यूटी रिटेल स्पेस में एक्सटेंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। सो You can always expect the best out of Femina. जब भी किसी ब्रांड के साथ में जुड़ती हैं लाइक इस तरह के, कितना मानती हैं कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है वेरिंग, एंड
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये फेमिना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और मैं लॉन्च पे आई हूँ एज अ फैन ऑफ फेमिना यू कैन से, एंड टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. माय फैशन मंत्रा इज ऑल अबाउट बीइंग कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन वट एवर यू वेयर. इट्स ऑलवेज यू हु शुड वेयर द क्लोथ्स एंड नॉट द क्लोथ्स दैट शुड वेयर यू. Apart from this, you know, there are other things happening from your end. जब मैं फिल्म की बात करता हूँ, जब मैं लेस्बियन जो किरदार आप निभा रही हैं, जी, if you can throw some light on that, you know, the last time we have seen Fire, that was Shabana Azmi. जी. जी वो तो बहुत ही अलग सी फिल्म थी. ये जो मेरी फिल्म है हम भी अकेले तुम भी अकेले, जिसमें मैं एक लेस्बियन का किरदार प्ले कर रही हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. एक स्टोरी है एक गे लड़के की और एक लेस्बियन लड़की की जो मैं प्ले कर रही हूँ, और इनके बीच जो दोस्ती है उस बारे में. ये प्रीची फिल्म नहीं है, मतलब बहुत ही सैड फिल्म नहीं है, बहुत ही लाइट हार्टेड फिल्म है, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़रूरी मैसेज देती है कि अभी जब हमारे कंट्री में होमोसेक्सुअलिटी को ऑफिशियल कर दिया है, बट अभी भी हमको हमारी फैमिलीज से फ्रीडम नहीं है, सोसाइटीज़ कई सोसाइटीज़ में अभी भी फ्रीडम नहीं है कि अगर आपका अगर एक बच्चे का सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्ट्रेट नहीं है तो उसको अभी भी डर होता है कि वो खुल के जाके अपने पेरेंट्स को या फैमिली को किस तरह से बताए. सो ये जो फिल्म है ये इस डिलेमा से डील करती है. ये फिल्म मेरी ऑलरेडी लास्ट ईयर नवंबर में ही मैनहट्टन में दिखाई गई थी साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ पे फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था. और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम इसको मार्च में रिलीज़ करने वाले थे, बट आई थिंक नाउ द प्रोड्यूसर्स आर टेकिंग अ डिसीजन एज टू हाउ दे वांट टू रिलीज इट. Well, honestly, the makers of the film did not approach me to do this film. I approached them and they were very skeptical kyunki you know, because of the films I've already done in the past, they consider me like a glamorous diva and all of those things. So, वो काफ़ी स्केप्टिकल थे मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए. मैंने ऑडिशन भी दिए, मैंने काफ़ी कन्विंस किया उनको कि प्लीज़ यू नो जस्ट लेट मी डू दिस, बिकॉज स्टोरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मैं चाहती थी कि मैं इस स्टोरी का हिस्सा बन पाऊँ. नो नो आई हैव या वेल पटाखे पहेंगे ये अभी नेक्स्ट ईयर शूट होना शुरू होगी, और आई थिंक समवेयर इन मार्च अप्रैल वी विल स्टार्ट शूटिंग इट. इट्स टू अर्ली टू गिव एनी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिल्म. बस मेरे को स्टार जो हैं वो बिनो डिलो होंगे और फिल्म डायरेक्ट की गई होगी डायरेक्टर संदीप कांग से. अजरीन भले से इस यू नो फेमिना की हम बात करते हैं, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, लेकिन जब आप अपने आप को किसी ब्रांड से या किसी ब्रांड से एसोसिएट करती हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखें? इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि मैं उस ब्रांड से कितना रिलेट कर सकूँ. मैं कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ से नहीं जुड़ूंगी जो जिससे मेरा दूर दूर तक कोई नाता ना हो, या जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट जैसे बोलते हैं, तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ों से नहीं जुड़ती हूँ. जैसे कि मुझे जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मुझे फेयरनेस क्रीम का यू नो एंडोर्समेंट मिला था. आई डिड नॉट डू इट बिकॉज दिस इज़ हाउ आई एम बॉर्न. आई डिड नॉट यूज़ एनी क्रीम एंड बिकम दिस कलर, एंड आई ऑल्सो फाइंड इट वेरी रेसिस्ट बिकॉज एवरी कलर इज़ ब्यूटिफुल, एवरी पर्सन इज़ ब्यूटिफुल. सो द होल आइडिया ऑफ एंडोर्सिंग फेयरनेस क्रीम्स आई डोंट अंडरस्टैंड. और वेट लॉस पिल्स, अब मुझे पता है कि वज़न घटाने में कितना मेहनत लगती है. ये अगर कोई पिल खाने से मैजिक हो जाता तो क्या ही बात होती. मैं खुद 100 किलो के ऊपर की थी एक ज़माने पे और बहुत ही मेहनत करके वज़न यू नो घटता है. तो ये सारी चीज़ें जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होती है वो मैं एंडोर्स नहीं करती. एंड इसके अलावा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन, तो हम आपकी भी एक वेबसाइट कुछ लॉन्च होने वाली है, लाइक हो गई, तो कुछ बताना चाहेंगे आप? वेल हाल ही में मैंने जी हाल ही में मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है. इट्स कॉल्ड happyhippiezareen.com. ये एक और स्टेप है अपने फैंस से जुड़े रहने का. अब हम सब डिजिटल यू नो एरा में रह रहे हैं. बीइंग डिजिटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
और यस इट इज़ जस्ट वन एज आई सेड एक स्टेप क्लोजर टू माई फैंस. वो मुझसे यू नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, मुझे मैसेजेस भेज सकते हैं जिसका मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ. सो या इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट टू बी क्लोजर टू माई फैंस. फार्मर्स आर यू नो किसान जो है हमारी जो कंट्री है इंडिया, इट्स एन एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री. इट इज़ वेरी सैड टू सी दैट स्टेट ऑफ फार्मर्स बिकॉज हमारे थाली में जो खाना आता है वो उनकी बदौलत होता है. सो आई एम वेरी 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 सैड टू सी दैट स्टेट ऑफ फार्मर्स राइट नाउ. Yeah.